नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के गैलेक्सी M32 के बारे में। दोस्तों, इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है, तो आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में कुछ खास बातें करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये जो अपडेट है ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ मैं साइज़ की, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। दोस्तों, इस साइज़ की बात करूँ तो वो है दोस्तों 881 MB का, यानी दोस्तों ये 1 GB के आसपास का अपडेट है। तो इस अपडेट में ऐसा क्या मिलता है जिसकी वजह से इसका साइज इतना बड़ा कर दिया गया है? तो दोस्तों, इसमें हमें मिलता है ये देखिए, इसमें जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं एल्द वाली और सैमसंग की जो इनबिल्ड जो एप्लीकेशन दोस्तों जो होती हैं, उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और इनमें हमें नए नए फीचर देखने को मिलते हैं। और इसमें हमें कोई ऐसा अपडेट नहीं मिला जैसे कि आपको बन यू आई का मिला हो या एंड्रॉयड से रिलेटेड मिला हो। हमारी जो एप्लीकेशन होती है दोस्तों सैमसंग वाली, सैमसंग मेमर, सैमसंग थिंग और सैमसंग हेल्थ, ऐसी इस टाइप की दोस्तों जो एप्लीकेशन होती हैं उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होके मिली है। प्लस दोस्तों, हमारा जो सिक्योरिटी लेवल है वो कर दिया गया है 1 जुलाई का। तो दोस्तों, अभी अगस्त चल रहा है, फिर भी हमें अभी 1 जुलाई का इसमें सिक्योरिटी पेज लेवल मिला है। तो आपको पता ही है कि सैमसंग की जो एम सीरीज है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मिड रेंज सीरीज होती है। तो आपको इसमें 1 अगस्त तक का सिक्योरिटी पेज लेवल, वो सॉरी दोस्तों, 1 जुलाई तक का सिक्योरिटी पेज लेवल मिल चुका है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आपके फ़ोन में जो अपडेट आ चुका है तो आप फटाफट से कर लो। साइज दोस्तों इसका 1 GB से थोड़ा कम है, जिसे आप आसानी से कर लोगे। और आपके फ़ोन में जो 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 एप्लीकेशन होती है दोस्तों सैमसंग वाली, वो भी आपको अपडेट होकर मिल जाएंगी, यानी दोस्तों उसमें आपको काफ़ी अच्छे चेंजेस होकर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।